किसी जंगल में एक सियार रहता था। वे अपनी चालाकी के कारण अकेला रहता था। एक रात खाने की तलाश में घूमता घूमता जंगल से बाहर निकल गया। रात के उजाले में उसे नील से भरा एक बड़ी टंकी दिखाई दी। उसने सोचा कि उसमें जरूर खाने की कोई चीज होगी। वे टंकी पर उछलकर चढ़ गया। उसने नील की टंकी में मुंह डालकर देखा कि उसमें क्या है। टंकी थोड़ी खाली थी, इसलिए उसने जैसे ही मुंह नीचे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही वे टंकी में गिर पड़ा। उसने टंकी से निकलने की बहुत कोशिश की, पर वे निकल नहीं सका। अंत में वे किसी प्रकार बाहर निकला। उसने पानी में अपना शरीर देखा, वे पूरा नीला था। सोचते सोचते सियार जंगल में पहुंचा। उसने अपने अन्य सियारों से कहा कि उसे कल रात वन देवी मिली थी, उन्होंने मुझे ये रूप दिया और जंगल का राजा बना दिया। सभी उसकी बातों में आ गए। सियार जंगल का राजा बन गया। एक बूढ़े सियार को उसकी बातों पर शक हुआ। उसने कुछ सियारों के कान में कहा और उन सभी ने मिलकर वाह वाह करना शुरू कर दिया। रंगे सियार से भी नहीं रहा गया, वे भी हुआ हुआ करने लगा। इस प्रकार उसका भेद खुल गया और जंगल के असली राजा सिंह द्वारा रंगा सियार मार डाला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? ना कभी असलियत को छुपाना चाहिए और ना ही कोई छल करना चाहिए।